करीना मैम इन्हों के नाल खड़ के फोटो करवानी मेरे लिए वड्डी गल है। उन्हों के नाल स्टेज पर खड़ना मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। सो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तब आपको क्या लगा कि हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं या फिर यू थॉट चलो यू नो लेट मी टेक सम टाइम एंड डिस्कस एंड डिसाइड एंड देन गेट बैक टू अभिषेक? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच गाइज। मैं इस लाइक नहीं कि स्टेज पर खड़ सकाँ, बट थैंक यू अभिषेक सर, हनी सर, जिन्होंने मैंने पहला फोन किया इस फिल्म के लिए, और फैंटम फिल्म्स एकता मैम। तो करीना मैम इन्हों के नाल खड़ के फोटो करवानी मेरे लिए वड्डी गल है। उन्हों के नाल स्टेज पर खड़ना मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। सो यह फिल्म जो मैं ऑफर हुई, जो मैं सर ने सुनाई, जो मैं लगा कि इस तो वधिया मेरी एंट्री नहीं हो सकती इस फील्ड के। और बहुत सारे लोग मैंने कहते कि जो तुम बॉलीवुड शायद तू नहीं जा सकेगा क्योंकि तू टर्बन बनता तो रोल ज़्यादा होंगे नहीं टर्बन वाले लिए। बट मैं शौक सी कि जो मैं पहले दिन गया तो सर ने मैंने कहा कि तेरी लुक की सानू एक्सपैरिमेंट करना नहीं पैना, सानू सरदार मुंडा ही चाहिए सी। सो ये मेरे पग पग करके ही मैं फिल्म मिली है। सो यही चल रही। So honest, so sweet, so humble. Yeah.